हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत है। किसी का ज़िंदगी में आना या चले जाना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में इन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पे ज़रूर आएगा, और इस बंदे को मुझे अगर थोड़ी सख्ती से भी अपनी तरफ लाना होगा तो मैं लाऊंगा। तभी वो हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, ठोकर पे ठोकर खाते हैं, बार बार गिरते हैं, चोटें खाते हैं, और यही ठोकरें और यही बार बार का गिरना और यही चोटें फिर हमें अल्लाह की तरफ ले जाती हैं। और लेके भी क्यों ना जाएं, उसकी दस्तरस में ही तो सब कुछ है, और हर जख्म का मरहम भी उसी के पास है। और ईमान तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में भी कश्ती पार लगा देता है, जो पानी पे घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम क्यों अपने रब से ईमान और उम्मीद ना रखोगे, तो अक्ल ना करोगे तो बिखर जाओगे। तुम्हें उस पे ईमान और यकीन रखना होगा। एक वही है जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। सब्र करो और हमेशा उस पे यकीन रखो, वो तुम्हें इन ठोकरों से और इन चोटों से ज़रूर सब्र दिलाएगा और अपने पास लेकर आएगा, अपने करीब करेगा।